उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए सियासी घमासान तेज है। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मां एम्स में भर्ती है। कई दिक्कतों के चलते उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 85 वर्षीय सीएम योगी की मां सावित्री देवी को 14 मई दोपहर को करीब 12 बजे एम्स के जीरियाट्रिक वार्ड में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि जीरियाट्रिक वार्ड 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए होता है। सभी विभागों के डॉक्टर इस वार्ड में आकर बुजुर्गों का इलाज करते हैं। यह सुविधा इसीलिए बनाई गई है ताकि बुजुर्ग लोगों को इलाज के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर ना काटने पड़े। सीएम की मां की तबीयत को लेकर एम्स प्रशासन का कहना है कि बढ़ती उम्र में होने वाली दिक्कतों के चलते रूटीन चेकअप के लिए सावित्री देवी यहां पहुंची है, जिसके बाद विभिन्न विभागों के डॉक्टर्स ने उनका स्वास्थ्य की जांच की, जिसके बाद उन्हें भर्ती किया गया है। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के भर्ती होने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी की बहन शशि पायल भी उनकी मां को देखने आई थी। सीएम के परिवार को मिलने वाली सुरक्षा व्यवस्था के तहत तैनात पुलिसकर्मी भी ऋषिकेश एम्स में मौजूद है। हाल ही में मदर्स डे पर सीएम योगी ने एक तस्वीर को साझा करते हुए अपनी मां को याद किया था। सीएम योगी ने मां का पैर छूते हुए तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हम सभी की प्रथम पाठशाला, परिवार की समृद्धि का आधार, सेवा, त्याग और ममत्व की प्रतिमूर्ति, समस्त मातृ शक्ति को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने पोस्ट में सीएम योगी ने आगे लिखा कि मां का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की भांति सदैव हमारी रक्षा करता है। सभी माताओं को श्रद्धापूर्ण नमन। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।